हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 3 और 16 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीएचएसएल 2019 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीपीओ 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की लगभग 10 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन में उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इससे पहले मैं CGL 2020, CGL 2019, CPO 2020, CPO 2019 के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, मैथमेटिक्स का स्कोर है। और जो भी मैंने अभी तक चैप्टर कराए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नया स्टूडेंट है, पहली बार वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। ये सब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब कुछ हम लोग टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पे अपलोड करते हैं, फेसबुक पेज पर। तो आप लोग ज्वाइन कर लें, फेसबुक ज्वाइन कर लें, साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और कंटेंट भी मिलता रहेगा मैथमेटिक्स का, और साथ में आपको चैप्टर्स भी यहाँ पे कराए जा रहे हैं। कोई इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है 2a प्लस 3b की वैल्यू दी है 8, ab की वैल्यू दी है 5, आपको बोला है क्या 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू बताएं। आपको पता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं पहले वाली इक्वेशन को अगर स्क्वायर कर दूँ, मैं अगर पहले वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, तो आपने देखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मैंने देखा क्या, मैंने देखा कि यार जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ना, तो 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर आ रहा है, और साथ में क्या आएगा 2 into 2a into 3b, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 64। आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने देखा 2a प्लस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 into 2a into 3b into 64 हो जाएगा। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, आपने देखा 3 × 6 × 12 12ab, तो 12ab अगर यहाँ पे प्लस में है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे। तो आपने देखा 64 × 12ab, ab की वैल्यू कितनी है 5, तो आपने देखा 12×5=60, 64 - 60 कितना हो जाएगा आपका 64। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने देखा कि यार सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा। आपने देखा डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल। पहले तो मैं बात करता हूँ कि यार लार्जेस्ट ट्राइंगल जो बनेगी वो कैसे मैं बना सकता हूँ। लार्जेस्ट ट्राइंगल सभी जानते हैं कि लार्जेस्ट ट्राइंगल जब आप बनाओगे तो आपको जो डायामीटर है ना उसको एक साइड मानना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि डायामीटर जो आप बनाओगे उसको आपको बेस ऑफ ट्रायंगल मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल की आपको ये जो रेडियस का 2 गुना आपको डायामीटर दिया है, अगर आप इस पूरे के पूरे डायामीटर को, मतलब यहां से लेके जो यहां तक साइड है ना, अगर आप इसको कवर करो और इसको एक साइड मान लो ट्रायंगल की, तो आप सबसे बड़ी ट्रायंगल बना सकते हो किसके अंदर, सेमी सर्कल के अंदर। तो आपने देखा कि यार डायामीटर जो है एक साइड हो गई ट्रायंगल की, और हमने मान लिया कि लार्जेस्ट ट्रायंगल बन गई। अब आपको पता है डायमीटर जो है सर्कमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे एंगल जो बनाती है वो कितने का बनाती है, आपको पता है 90 डिग्री एंगल बनाती है। डायमीटर जो है सर्कमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे या सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटर पे कितने का बन रहा है एंगल, आपने देखा स्ट्रेट लाइन है, सेंटर पे बना 80। अगर 180 डिग्री सेंटर पे बन रहा है तो सर्कमफ्रांस के किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, आधा एंगल बनेगा, कितना 90 डिग्री। ये सिर्फ समझाने के लिए बात थी। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूं अभी तक सबको समझ आ गया होगा। अब आपने देखा क्या
कि यार जो ये वाला वर्टिसेस है ना, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ये वाली जो साइड थी, जो डायमीटर था, उसको मैंने बेस मान लिया, तो क्यों ना मैं हाइट निकाल लूँ। हाइट कैसे निकलेगी, आपको पता है, अल्टीट्यूड में अगर इस पे गेर दूँ, आपने देखा कि 90 डिग्री वाला जो वर्टिसेस था उससे मैंने क्या किया, अल्टीट्यूड गेर दिया, कितना, 90 डिग्री। अब आप कह सकते हो कि ये जो वर्टिसेस है ये सर्कमफ्रांस का कोई पॉइंट है, अगर मैं सर्कमफ्रांस के किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा तो ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास हाइट की भी वैल्यू आ गई, आपके पास बेस की भी वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल पूछा है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो आपने देखा ही गया 4 पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला राकेश वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना क्रॉसेस अ ब्रिज इन इतने मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपको पता है राकेश, राकेश की तो कुछ लेंथ होगी नहीं, जिस चीज को क्रॉस कर रहा है उसी की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो उसकी लेंथ आपको निकालनी है। आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर जब क्रॉस करने की बात आती है किसी चीज को तो हम जनरली लेंथ लिखते हैं डिस्टेंस की जगह, ठीक है ना, क्योंकि राकेश ने ब्रिज को क्रॉस किया, ब्रिज को जो क्रॉस किया, जो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसने डिस्टेंस चला, वो ब्रिज की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो आपने देखा लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम अगर मैं कर दूं तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी, पर आपको स्पीड तो गिवन है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ ब्रिज। लेंथ ऑफ ब्रिज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई। स्पीड कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, और आपको लेंथ किस में निकालनी है, किलोमीटर पे, तो 8 किलोमीटर पर आवर को एज इट इज छोड़ दे, 30 मिनट को आप लोग क्या करें, 30 मिनट को आप लोग सेकेंड में, उसमें 30 मिनट को आप लोग आर में चेंज कर ले। तो आपने देखा 30 मिनट क्या होता है, 1/2 आर, तो आपने देखा लेंथ ऑफ ब्रिज जो आएगी वो आपकी 4 किलोमीटर आ जाएगी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है, देखो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, लास्ट वीडियो या फिर लास्ट टू लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, अब ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। आपने बार देखा, बार देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं, ये 18+13 का एडिशन दिया है आपको, तो ये कितना हो गया 31, 18 में से 31 गया तो कितना हो गया -13, 25 माइनस का -13, तो आपने देखा 25 और 13 कितना हो जाएगा 38, 42 में से 38 गए 4, और 225 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा आपका 221, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और पिछले वाले का भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, खुद से आप लोग ट्राई करेंगे तो आंसर 3204 आने वाला है, ठीक है, अगर 3204 है समझ लेना आपका आंसर सही है। क्वेश्चन बोला है कितने साल में विल अ सम ऑफ 5,000 रुपीज यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, मतलब अगर मैं सम यानी कि प्रिंसिपल अगर मैं 5,000 रुपए ब्याज पे दूं 10%, तो कितने साल में जो मेरे को सामान्य ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 2,000। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 2,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 5,000 रुपये, रेट आपको दिया है कितना 10%, ठीक है, और आपको निकालना है टाइम, तो आपने देखा बाय 100, तो ये गया इतने पे, ये बना 50 × 10 कितना हो जाएगा 500, 4 साल, ठीक है, तो टाइम कितना लगने वाला है आपका 4 साल। क्वेश्चन बोला रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 16:1, उनका पैरामीटर बताना है। पहली बात तो आप लोग एक चीज समझते हैं क्या, कि मान लो एरिया 2 स्क्वायर है, तो आपने क्या किया a1/a2 लिखा, a1/a2 लिखा, तो आपको पता है s1/s2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड का स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप एक बात और बोल सकते हो कि साइड जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, सॉरी साइड जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि s1 और s2 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा a1/a2। फिर आपको एक चीज और पता है क्या कि पैरामीटर जो होता है p1/p2 जो होता है, आपको पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 × साइड, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 × साइड होता है, तो आपको पता है 4s1/4s2, ये ऐसे चला गया 4 से 4 चला गया, तो आप कह सकते हो कि p1/p2 जो होगा वो s1/s2 के इक्वल होगा और अंडर रूट ऑफ a1/a2 के इक्वल होगा, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड और पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपने देखा
16 और 1 जो है एरियाज का रेशियो है, तो आपके पास पैरामीटर का रेशियो कितना हो गया, 4:1। ये जस्ट एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना सिखाया आपको, ठीक है, हर चीज में सेम ही आएगा। क्वेश्चन बोला है sec square theta minus, sorry, sec theta minus tan theta की वैल्यू दिया 3। मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि sec theta minus tan theta की अगर वैल्यू x हो तो sec theta plus tan theta की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x। कैसे होगी, देखो आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है sec square theta minus tan square theta equal to 1। तो आप एक बात बोलोगे क्या कि a square minus b square लिखा है, तो ये हो जाएगा a minus b और a plus b, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में आपका 1 आ जाएगा। फिर आपको पता है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/3। बात तो वही आ गई ना, कैसे कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा अगर x है तो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/x। या फिर अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो आपको पता है कि sec theta plus tan theta आपने 1/3 निकाल लिया और sec theta minus tan theta आपको कितना दिया था, 3। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आए क्या कि sec theta minus tan theta दे दिया या फिर sec theta plus tan theta दे दिया या फिर cosec theta minus cot theta दे दिया या फिर cosec theta plus cot theta दे दिया और आपको बोला cos theta tan theta sin theta कुछ भी निकाल दो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर sec theta minus tan theta दिया तो आप sec theta plus tan theta निकाल लो, अगर आपको sec theta plus tan theta दिया sec theta minus tan theta निकाल लो। सेम केस है आपका cosec और cot के साथ, ठीक है ना। तो आपने देखा दोनों इक्वेशन को आपने जोड़ा तो tan theta से tan theta तो गया, 2 sec theta की वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस 1/3। तो आपने देखा अगर 3 नीचे मैं एलसीएम ले लूँ तो 9 प्लस 1 कितना होगा, 10, और 10 को ये काटेगा कितने, 5 पे, तो sec theta की वैल्यू जो है वो 5/3 आ गई। पूछा क्या है, cos theta, cos theta जो होता है 1/ sec theta होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि रिलेशनशिप होता है कि अगर एक टेंजेंट और एक सीकेंट गिवन हो और सिमिलर पॉइंट से दोनों चीजें ड्रॉ हुई हैं, एक टेंजेंट और एक सीकेंट, तो टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है, तो आपने देखा कि टेंजेंट की वैल्यू कितनी, 6 का स्क्वायर और जेड वाई है 4 और जेड एक्स कितना होगा, x प्लस 4। तो आपको पता है 6 स्क्वायर 36 है, यहाँ पे 36/4 कितना होगा आपका, 9। एक्स प्लस 4 आपका 9 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9-4 कितना, 5। तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है एक्स वाई जेड जो है एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बाद एक्सएल जो है वो एक मीडियन है, तो आपने एक्स से वाई जेड पे एक एल पॉइंट डाला, जो कि एल जो है मिड पॉइंट है किसका, वाई जेड का, और एक्स और एल को आपने ज्वाइन किया, तो आपको पता है एक्सएल जो है मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि वर्टिसेस से अगर सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे अगर मैं लाइन बनाता हूं तो वो मीडियन कहलाती है। तो आपको पता है एक्सएल की वैल्यू आपको दी है कितनी, 18। फिर बोला है एक्स जी, जी क्या है, सेंट्रोइड। आपको पता है सेंट्रोइड जो है ना मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपने देखा सी मीडियन जो है मतलब एक्स जी रेशो जी एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2:1। मीडियन जो है सेंट्रोइड को, सॉरी सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो आपने देखा मीडियन की टोटल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और रेशो कितनी, 2:1। तो रेशो का टोटल कितना, 3, टोटल लेंथ कितनी, 18, 1 की वैल्यू 6 और 2 की वैल्यू 12, एक्स जी की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ऊपर वाली जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, कर लेना। क्वेश्चन बोला कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आपको पता है कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो आपने देखा 3/4 - 1/4, 2/4, 2/4 को क्या बोलोगे आप, 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को आप बोल सकते हैं sec² x - 1 - 3 sec² x + 3 = 0। तो आपने देखा कि -2 sec² x + 2 = 0, तो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2/2 1, तो sec x भी 1 हो गया। sec x 1 कब होता है, जब x 0 डिग्री हो। क्वेश्चन बोला मैन सोल्ड इज फर्नीचर एट 25% गेन, आपने माना क्या कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 है,
आपने देखा कि यार कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, प्रॉफिट 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? आपने देखा कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा? 125%। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? 100। प्रॉफिट अगर 25% कमाया, मतलब कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा वैल्यू में बेचा, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% हो गया। 25% ज़्यादा वैल्यू कितनी हो गई? 125%, तो 100 का यानी कि कॉस्ट प्राइस का 125% कितना होगा? 100 का 125% 125। और फिर आपने देखा कि अगर वो उसको 15% लॉस पे बेचे, लॉस 15%, मतलब 100% पे चीज खरीदी और 15% लॉस पे बेची, मतलब 100% में से 15% चले गए, तो कितने में बेची? 85% में। कॉस्ट प्राइस का 85%, मतलब 100 का 85% कितना हो गया? 85। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास? 85। क्वेश्चन में बोला है क्या कि अगर वो उसको 15% लॉस पे बेचता, मतलब हमारे हिसाब से, हमने क्या माना था अपने हिसाब से कॉस्ट प्राइस 100, मतलब अगर हमारे हिसाब से वो 85 पे बेचता, 85 सेलिंग प्राइस पे बेचता, तो उसको 800 रुपए कम मिलते किससे? जब वो 125 बेच रहा था उससे। तो आपने देखा कि अब हमारे हिसाब से कितना कम मिल रहा है? आपने देखा पहले 125 मिल रहे थे, अब 85 मिल रहे हैं, कितना कम मिल रहा है? 40। और क्वेश्चन में दिया है कि 800 कम मिल रहे हैं। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 20। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 2000। क्वेश्चन बोला है रीटा की जो इनकम है वो 15% कम है रीचा की इनकम से, ठीक है? तो आपको मैंने कई बार बताया और बार बार बताऊंगा, क्या जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही हो, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही हो उसको 100 मान लो। तो अब आपको पता चल गया कि रीचा के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी तो मैंने उसको 100 मान लिया। अब रीटा का मुझे पता लग गया कि रीटा की इनकम कितनी है, रीचा की इनकम जो कि मैंने 100 मानी उससे 15% कम, 100 से 15% कम। तो आपने देखा 100 के 85% वैल्यू की इक्वल होगी, ठीक है? क्योंकि 100% तो खुद की वैल्यू और उसमें से 15% कम, तो आपने कहा कि यार 100 के 85% वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब 85। अब क्वेश्चन बोला है बाय व्हाट परसेंट इज रीचार्ज इनकम मोर देन रीटा इनकम। तो आपने देखा रीचा की इनकम रीटा की इनकम से कितनी ज्यादा है? 15 ज्यादा है। पूछा किस पे? रीटा की इनकम पे। तो रीटा की इनकम कितनी है? 85। तो आप बोल सकते हैं कि 17 होता है, ठीक है? और 17 तो 17 इज सही, 11/17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला फोर्थ प्रोपोर्शनल बताएं, ठीक है? तो आपको पता है पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर सी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? लास्ट के दो नंबर जो है उनका मल्टीप्लिकेशन बाय पहला नंबर। तो आपने देखा 12 × 15 कितना होता है? 180/10 कितना होगा? 18। क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू प्लॉ 50 acres ऑफ लैंड। अब की बार आपको वर्क की वैल्यू दी है, ठीक है? तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। हर बार क्या बोला जाता है कि जिस काम को 15 आदमी 20 दिन में करेंगे, उस काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो काम जो होता था वो सेम होता था, अब की बार काम ही अलग अलग है। कितना? पहले तो 50 एकड़ की बात हुई है कि 50 एकड़ लैंड पे काम करना है, फिर बोला 10 एकड़ लैंड पे कितने आदमियों ने काम करना है, या इसकी वैल्यू दी हुई है तो दूसरे की निकालनी है। मतलब आपको वर्क की वैल्यू दी हुई है और मैन की वैल्यू दी है और डे की वैल्यू दी है, तो एच का तो कोई काम नहीं। तो अब फॉर्मूला आपके पास क्या यूजफुल है? M1D1/W1 = M2D2/W2। तो आपने देखा M1 की वैल्यू निकालनी, दिन कितने? 10। काम कितना? 50 एकड़ लैंड। फिर देखा कि 10 एकड़ लैंड पे 15 आदमी 6 दिन काम किए, तो आपने देखा कि यहां से ये तो आ गया 5, ये गया 2 और ये गया 3, तो 45 आदमी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट द मीन ऑफ 5 नंबर्स। पहली बात तो मीन का मतलब आप लोग एवरेज समझे, ठीक है ना? तो 5 नंबर का एवरेज जो है वो आपको कितना दिया है? 28। फिर क्या हुआ? एक जो था वो चला गया और एवरेज जो था वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? मतलब रिड्यूस कितना हो गया? 5। मतलब 5 अगर रिड्यूस हो गया तो एवरेज रह कितना गया? आपने देखा 5 अगर रिड्यूस हो गया तो एवरेज रह कितना गया? 23 एवरेज रह गया। अब ट्रिक तो है ही हमारे पास,
क्या कि आपको पता है इन पांच नंबर में से एक नंबर एक्सक्लूड हुआ, तो आपने देखा कि 28 तो उसकी वैल्यू होगी होगी, और उसने क्या किया, उसके एक्सक्लूड होने से क्या हुआ, उसके एक्सक्लूड होने से ये जो चार नंबर है इनका जो एवरेज है वो पांच पांच गिर गया। मतलब ये वाला जो एक्सक्लूडेड नंबर था ये हर एक को पांच प्रोवाइड कर रहा था, मतलब हर एक में ये पांच का इंक्रीमेंट ला रहा था, और कितनों में इंक्रीमेंट ला रहा था, चार में इंक्रीमेंट ला रहा था। तो आपने देखा कि 28 प्लस 20 कितना हो गया, 48, ठीक है ना। या फिर कोई कंफ्यूज हो, कई बार हो जाता है ऐसा कि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 28 माइनस 5 इंटू 4, देखो ये चीज तो आप लोग कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि कितने का डिक्रीमेंट हुआ, पांच का, और कितने बंदों में डिक्रीमेंट हुआ, चार बंदों में। तो आप सम तो निकाल लोगे कि इतना डिक्रीमेंट या इतना इंक्रीमेंट। आपको दिक्कत आएगी किसमें, माइनस और प्लस साइन में, कि प्लस साइन लगाऊं कि माइनस साइन। तो आप लोग एक बार प्लस लगा के देख लेना, आप यहाँ पे प्लस साइन लगाओगे तो 48 आंसर आ रहा है, माइनस लगाओगे तो 8 आंसर आ रहा है। 8 तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब 48 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आप लोग थोड़ा लगा सकते हो अंदाजा पेपर में बैठ, ठीक है ना। या फिर अगर कोई बोले कि सर मुझे तो एक्सप्लेन कर दो पूरा, मैं ये बात बोलूंगा कि अगर एवरेज पांच नंबर का 28 था तो सम ऑफ फाइव नंबर कितना था, 28 × 5, और फिर सम ऑफ फोर नंबर कितना आएगा, 23 × 4। तो अब जो है आपके पास फिफ्थ नंबर की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, इसमें पांचों नंबर है, इसमें चार नंबर का सम है, तो बचा क्या, फिफ्थ नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है x प्लस वाई 15 है, एक्स वाई 14 है, तो x माइनस वाई बताएं। आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, माइनस 4xy होगा इधर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद भी रख लेना, ठीक है। इससे आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, क्या कि आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग बना सकते हो, कोई भी एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप बना लोगे एग्जाम में बैठ के। तो आपने देखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर और 4 × 14। तो आपने देखा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 में से 56 गए, तो आप बोलोगे कि 9 और 11 में से 5, 6, 169। तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी कितनी, अंडर रूट ऑफ 169, जिसको आप क्या बोलोगे, 13। क्वेश्चन में बोला ब्लैंकेट इज सोल्ड फॉर ₹680 एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%, प्रिंटेड प्राइस बताएं। प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस या MRP। तो आपने देखा मार्क प्राइस था, पहले उसमें 15% डिस्काउंट दिया, मतलब 85% वैल्यू पे बेचा। फिर आपने देखा 20% डिस्काउंट दिया, तो मतलब 80% वैल्यू पे बेचा, क्योंकि 100% तो खुद की वैल्यू है, 20% अगर घटा दो तो रह कितना गया, 80%। इसकी वैल्यू आपको ₹680 दी, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। आपको पता है अगर एक चीज पे दो बार डिस्काउंट दिया एक्स और वाई परसेंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आपने देखा 5 और ये 3, तो 35 में से 3 गए, 32%, मतलब कुल उसने 32% का डिस्काउंट दिया। अगर 32% उसने डिस्काउंट दिया कुल, मतलब उसने 68% वैल्यू में बेचा, एक तरीका ये है। फिर आपको रेशो वाला तरीका बताता हूँ। चलो आपने देखा क्या कि 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ कि यार 15% डिस्काउंट मैंने 15/100, और इसको आप बोल सकते हो क्या, 3/20 है ना, तो आप इसको बोल सकते हो 3/20। तो आपने देखा कि डिस्काउंट निकालते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे, और जिस पे निकालते हैं वह तो चीज़ आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या आता है, जिसकी बात हो रही हो, तो डिस्काउंट की बात हो रही थी, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो आपने देखा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो देखूं, तो आपने देखा 20 तो मार्क प्राइस है और इस पे 3 डिस्काउंट दे दिया। आपने देखा मार्क प्राइस 20 है, 3 डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितने का रह गया, 17 का रह गया। फिर आपने देखा 20% जो है डिस्काउंट दिया, 20% मैंने 1/5, ये आ गया आपका मार्क प्राइस, ये आ गया आपका डिस्काउंट। तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना, 5,
और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपकी बार 4। तो आपने देखा कि दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, आपने देखा 25:17, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है 25:17। फाइनली तो 17 की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दे रखी है, 1 की वैल्यू 40, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। काफ़ी सारे तरीके हैं, तो ये 1000 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ से भी आ सकता था, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। क्वेश्चन बोला एंगल AGB की वैल्यू आपको दिया है, आपने क्या किया AB एक कॉर्ड मान ली, AB अगर एक कॉर्ड मान ली, कॉर्ड जो है सेंटर पे जो एंगल बनाती है सर्कमफ्रांस के पॉइंट पे उससे आधा एंगल बनाती है। क्वेश्चन बोला द बर्थ रेट ऑफ कंट्री सी, ये दिया है आपको बर्थ रेट पर 1000, ये दिया है बर्थ रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो आपको बोला बर्थ रेट ऑफ कंट्री सी जो है वो कितना परसेंट है बर्थ रेट ऑफ कंट्री ई, तो आपने देखा सी जो है कितना परसेंट है ई के, तो आपने देखा कंट्री सी में जो बर्थ रेट है वो 20, कंट्री ई में जो है वो कितना 33, तो आपने देखा 60.6060% आएगा, मतलब 60% जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नियर डियर यही है 60.6 के नियर डियर यही है 60% ये वैल्यू। क्वेश्चन बोला अब इन द गिवन बार ग्राफ द फर्स्ट बार, मतलब ये वाला जो बार है ये इनकम शो कर रहा है, सेकंड बार जो है वो एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। क्वेश्चन बोला इनकम जो 2001 में हुई वो कितनी हुई 30, इज इक्वल टू या वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन विच ईयर, तो आपने देखा 30 जो है एक्सपेंडिचर 30 कब हुआ यहाँ पे, तो आपने देखा कौन से साल का है 2004, यही आपको पूछा था। क्वेश्चन बोला द परसेंटेज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंपनी इन 2002 एज कंपेयर टू 2001, तो आपने देखा 2002 में कितनी गिरावट आई 2001 से, किस में इनकम में पूछा है, अच्छा मैं तो एक्सपेंडिचर देख बैठा, इनकम में पूछा है, मतलब 30 से 25 जब हुआ, मतलब 2002 में 2001 से कितनी गिरावट आई इनकम में, तो 2001 में तो 30, 2002 में होगी 25, तो कितने की गिरावट आई 5 की, किस पे इनिशियली क्या था 30 into 100%, तो आपने देखा ये गया 6 पे और ये आ गया 3 और ये आ गया 50, तो 50/3 है मतलब 16 से ही 2/3%, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2001 टू 2002 इज डिक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट या व्हाट परसेंटेज, तो आपने देखा 2001 में एक्सपेंडिचर था 20, 2002 में कितना हो गया 15, तो आपने देखा कितना गिर गया 5, कितने से 20 से, तो ये कितना हो गया, ये तो भाई 25% हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है खुद से कर लेना, ये क्वेश्चन तो मैं कम से कम 1,00,000 बार करा चुका हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन समझना ना, जिसको तो नंबर की नॉलेज होगी और एलसीएम एचसीएफ की नॉलेज होगी वो तो क्या करेगा, वो तो 3 × 4 × 5 करेगा, इसकी वैल्यू 1800 के इक्वल पुट करेगा, 1 की वैल्यू निकालेगा 4 की। पर मैं आपको इसको थोड़ा इलेबोरेटली बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने देखा 3 नंबर जो है वो किस अनुपात में है, 3:4:5 में, तो आपने मान लिया पहला नंबर जो है वो 3x है, दूसरा नंबर जो है 4x है, तीसरा नंबर जो है वो 5x है, ठीक है पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा इस तीनों का एलसीएम जो है 1800 है। अगर आप बात करो कि इन तीन नंबर के एलसीएम की, तो आप बोलोगे कि सर इन तीन का एलसीएम जो होगा वो आपने देखा ये क्या लिखा है 3 × x, ये क्या लिखा है 4 × x, ये क्या लिखा है 5 × x, मतलब तीनों में x तो कॉमन है, एक तो मैं x लिख लेता हूं, फिर आपने देखा 3, 4, 5 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 3x 4x 5x नंबर का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 3 × 4 × 5 × x, ये आ गया एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू कितनी है 1800। अब आप एक चीज यहां पे समझिए, क्या आप ये समझिए कि ये जो x है ना, ये जो x है तीनों में जो x है ये ना HCF है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो x जो है यहाँ पे HCF है, और जब भी आप तीन नंबर का रेशो निकालेंगे, कोई भी तीन नंबर कभी भी निकाल लो आप, कोई भी तीन नंबर या कोई भी दो नंबर या कोई भी चार नंबर, जब भी आप उनका रेशो लोगे ना तो हमेशा HCF कटता है। मैं मान लूं कि यार x की वैल्यू ना 3 है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं कि x की वैल्यू ना 3 है, तो 3x कितना होगा 9, 12x कितना होगा वो 4x कितना होगा 12, और 5x कितना होगा 15। तो आप यहां से देखें कि 9:12:15 अगर मैं करूंगा तो फाइनली ये कट के 3:4:5 होना है, मतलब जो x है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमेशा कट जाता है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमेशा कट जाता है। तो आप बोलोगे यहां पे क्या कि HCF को छोड़ के ये तीनों नंबर की वैल्यू लिखी है, मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि 3 × 4 × 5 ये तो LCM हो ही गया, और साथ में इनका HCF जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड तीन नंबर आ जाएंगे, ठीक है।
मतलब इन रिक्वायर्ड तीन नंबर का एलसीएम आ जाएगा। तो आपने देखा 3 × 4 × 5 × HCF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1800, तो आपने देखा 4×5 = 20 दिया कितना हो गया 60, तो HCF की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 30 आ गई। अब आप HCF को मल्टीप्लाई कर दो नंबर से तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो लोग मेरी ये बात समझ पाए वो तो ठीक है, नहीं तो आप HCF वाला खेल ही छोड़ दें, आप एक्से कर लें सॉल्व और आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। जो मेरी बात समझ पाए तो आपने देखा 60x की वैल्यू कितनी हो गई 1800, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई 30। आपको बोला है सेकंड नंबर बताएं मतलब 4x, तो आपने देखा 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। नहीं भी समझ पाए हो ये वाला तरीका जो आपको बता दिया, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है क्या कि 9000 रुपये है, मतलब ये जो मैंने तरीका भी आपको बताया ना ये एक्स वाला, ये सफिशिएंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। पर थोड़ा सा नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि ये नंबर कैसे लिखे जाते हैं और ये कटते कैसे हैं। क्वेश्चन में बोला पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 9000 रुपीज, तीन पार्ट्स में उसने इन्वेस्ट किया 3%, 4% और 6% पर एनम में, और एक साल बाद क्या हुआ तीनों में से उसको इक्वल इंटरेस्ट मिला। तो ये पूछा अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, तो हमने देखा मान लो उसने ए बी सी तीन अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने देखा ए जो अमाउंट है या ए जो प्रिंसिपल है एक साल का ब्याज कितना आएगा, आपने देखा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम, टाइम कितना है एक साल, ये हो गया इस पे ब्याज। बी पे ब्याज कितना होगा, आपने देखा बी पे जो ब्याज होगा वो 4% रेट है, टाइम एक साल ही है, और सी पे 6%, टाइम एक साल, क्योंकि एट द एंड ऑफ अ ईयर लिखा ना, मतलब एक साल की बात हो रही है, और ये तीनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। तो आपने देखा ये गया तो 3a = 4b = 6c दिया है आपको, तो आपने देखा a रेशो b रेशो c कितना आएगा। अब आपको पता है इस वाली इक्वेशन से रेशो बनाना कैसे होता है, आपने देखा a रेशो b रेशो c दिया है, मतलब a रेशो c b रेशो c आपको निकालना, 3a = 4b = 6c आपको दिया, तो आप क्या करेंगे जब a की बात हो रही होगी तो आप एक वाली टर्म को भूल जाएंगे, मतलब 3a को आप भूल जाओ। तो आपने देखा b का कॉफिशेंट और c का कॉफिशेंट क्या है, 4 और 6 मल्टीप्लाई कर दो। अब b की बात हो रही है b वाली टर्म को भूल जाओ, a के कॉफिशेंट और c के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई कर दो, c की बात हो रही है तो a का कॉफिशेंट इंटू b का कॉफिशेंट, तो आपने देखा 3 को अगर मैं काटूँ तो 2, और अगर मैं यहाँ पे 2 को काटूँ तो आप देखोगे ये गया 3 पे, तो 4:3:2 जो है वो रिक्वायर्ड रेशो आप लोगों के पास आ गया, ए रेशो बी रेशो सी जो है आपके पास कितना आ गया 4:3:2, तो मतलब 9000 जो है वो 3 रेशो में डिवाइडेड था, 4:3:2, तो डिवाइड करता हूँ 9000 को, तो आपने देखा टोटल रेशो करूँ तो कितना आ जाएगा 9 की वैल्यू 9000। आपसे पूछा 6% पे, तो आपने देखा 6% पे जो था सी इन्वेस्टेड था, तो सी की वैल्यू कितनी है 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, और ए की वैल्यू आ जाएगी 4000, 3 की वैल्यू आ जाएगी 3000 जो कि बी की वैल्यू होगी। शॉपकीपर ने इतना डिस्काउंट दिया फिर भी इतना प्रॉफिट कमा लिया, मार्क प्राइस इतना है, आपको पता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मैं बता बता के आप लोगों को थक चुका हूं। मार्क प्राइस 800, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट, तो आपने देखा ये हो गया 125 और ये हो गया 80, तो आपने देखा ये गया 5 पे और 25 चौक, तो 8 × 4 = 32, 256 का 2 गुना आ जाएगा 512 रुपये, ठीक है जी। तो एक बारी मैं आंसर देख लूँ क्या मेरा आंसर सही है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है ये जो फिगर है एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे और एक्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, एंगल पीएसी का, मतलब इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आपको बोला है क्या पीएक्यू बताएं, मतलब ये वाला एंगल, अच्छा, देखो अगर आपको दिया होता कि एक्यू जो है एंगल बाइसेक्टर होगा किसका,
मतलब AQ जो है, अगर आपको दिया होता क्या, AQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तब तो आपका एंगल PAQ की वैल्यू आ जाती हाफ एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस बटे दो, ठीक है। अगर आपको दिया होता क्या, सेम इक्वेशन दी होती, क्या बोला होता, इन द गिवन फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, पर आपको बोला होता AQ अगर बाइसेक्टर है एंगल BAC का, तब जाके आपको एंगल PAQ पूछा, तब तो आप ऐसे निकालते, पर ये तो चीज दी नहीं, आपको बोला एंगल PAC जो है ना, मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है एंगल AQ। और ये ध्यान रखना, ये थ्योरम भी होती है कि अगर AP जो है परपेंडिकुलर है BC पे और AQ जो है बाइसेक्टर एंगल BAC पे, तो एंगल PAQ हम कैसे निकालते हैं, इस वाली थ्योरम से, मतलब इस वाले फॉर्मूला से। पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं, आपको दिया है कि जो PAQ है ना, मतलब ये जो एंगल है PAC, एंगल PAC जो है इसका बाइसेक्टर है क्या, AQ। तो आपने देखा कि यार ये 90, अगर मैं ट्राइंगल PAC की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये भी 30, ये भी 30। और आपसे पूछेंगे एंगल PAQ जिसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री इक्वल। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसने इसलिए दिया था कि आप लोग इक्वेशन को ढंग से पढ़ते हो कि नहीं, ठीक है। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, आप देखोगे अच्छा AP परपेंडिकुलर, ओहो AQ बाइसेक्टर, आपने नहीं देखा कौन सा एंगल का बाइसेक्टर, आपने सोच लिया BAC का बाइसेक्टर और आपने क्या किया हाफ 60 माइनस 30, मतलब एंगल बी माइनस एंगल सी। फिर आप देख रहे हो यार 15 डिग्री तो ऑप्शन में ही नहीं है, बताओ एग्जामिनर ने ऑप्शन ही नहीं मिलाए, तो फिर वहां पे जाके आप लोग फंसते हो और फिर पैनिक कर जाओगे। फिर आप इसमें टाइम लोगे तो पैनिक कर जाओगे तो एक दो क्वेश्चन आप में गलत कर बैठोगे। तो आप इक्वेशन को हमेशा ढंग से पढ़े, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दिया है, आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लोग सोचेंगे यार मैं इसका बेस निकालू, हुए कैलकुलेशन इतनी, देखो स्मार्टली चलो। आपको पता है x2 + y2 और x2 - y2 से हटके a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, 2xy, तो आप सीधा ही समझ लो ना कि बेस जो होगा वो 2xy के इक्वल होगा। क्यों इतना पचड़े में पड़े आप लोग, यहाँ तो ऐसा होता ना कि एक बार आपको 2xy दे दिया, एक बार आपको 4xy दे दिया, फिर तो आप सॉल्व करते अच्छे भी लगते हो। जब आपको ऐसा कुछ दिया ही नहीं तो आप लोग क्यों चक्कर में पड़ते हो। आपने देखा एक ही टर्म है जो x2 + y2 और x2 - y2 से अलग दी हुई है, जो कि 2xy है, आप इसी को बेस मान लो। या फिर कोई कहे सर मैं ना कैलकुलेटिव हूं, मैं ना थोड़ा कैलकुलेशन से चलना चाहता हूं, मैं बोलूंगा यार तू फिर क्या कर, तू x की वैल्यू 2 रख ले, y की वैल्यू 1 रख ले, मतलब cosec थीटा जो है आप बोल दो कि x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर 1, तो आपने देखा 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, और नीचे क्या आ जाएगा 4 - 1 = 3 आ जाएगा। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज अगर 5 है, परपेंडिकुलर अगर 3 है, तो बेस कितना होगा 4 हो जाएगा, बेस कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। और फिर आपने देखा 2xy, मैंने x को माना 2, y को माना था 1, तो आपने देखा बेस वाक्य में ही 4 आ रहा है, तो यहां से भी आप लोग वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आपको 4xy दे देता एक ना आधे ऑप्शन में, तो आप क्या देखते कि 4 × 2 × 1 जो कि 8 आ रहा है, पर मेरा बेस आया 4, तो आपको हो गया कि 4xy इज नॉट द करेक्ट आंसर, एक तरीका ये, ठीक है। आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को लेट कर लो, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो आपके पास ये है, और एक तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान देना जरा। आपने देखा cosec थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है। आपको पता है tan थीटा आपको निकालना है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दे दिया आपको, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस आपको दिया ही नहीं, और आपको बोला tan थीटा बताओ जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। आपने देखा ऑप्शन चेक किए तो आपको होना चाहिए क्या कि परपेंडिकुलर, मतलब x2 + y2 जो है वो न्यूमिनेटर में आना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे x2 - y2 नहीं है न्यूमिनेटर में, यहाँ भी नहीं है, और इन दोनों ऑप्शन में जो है x2 - y2 जो है वो न्यूमिनेटर में है। फिर आपने देखा कि डिनोमिनेटर में क्या है x2 + y2, पर वो तो हाइपोटेन्यूज है, हमें चाहिए बेस, तो आपने देखा ये ऑप्शन भी गलत, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। चाहे वो 2xy हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको दिख गया ऑप्शन से भी कि मेरा आंसर ये सही है। देखो 4-5 तरीके बता दिए क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा cos की पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो आपने देखा 1 - cos² θ कितना हो जाएगा sin² θ, तो cos² θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin θ। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि sin θ
यहाँ पे राइट हैंड साइड में छोड़ू तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, कॉस की पावर 4 थीटा का अंडर रूट, जो कि कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा साइन थीटा में यहाँ पुट कर दो, साइन थीटा की जगह आपने पुट किया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर का रेशियो है कितना, 3:2:1, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 3x है, ये 2x है और ये x है, ठीक है जी। और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे, मतलब पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस पे, मतलब ये 90 डिग्री एंगल है। आपको पूछा है एंगल टी आर एस की वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो गया, आपने देखा 3 और 2 5 और 1 6, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 6x हो गया ना, तो 180 डिग्री बाय 6 जो कि कितना हो गया 30। तो आपने देखा यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 30, ये हो गया 90 का। और ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180, 180 में से एक एंगल 30 का हो गया, एक एंगल 90 का, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया 120, तो बचा हुआ एंगल कितने का 60 डिग्री का। क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 4%, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 75,000 रुपए, ठीक है। तो आपने देखा 75,000 रुपए जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। हर साल 4% का डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल 4% इसका रेट घट रहा है, 100% इसका खुद का रेट, 4% अगर रेट घट गया तो रेट रहा है कितना गया 96%, और ऐसा 2 बार हुआ, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा है ना कि कितने साल, मतलब 2 साल बाद रेट कितना हो जाएगा, तो आपने देखा 1 साल बाद रेट इतना हो जाएगा, फिर जो ये रेट हो गया इसमें से दोबारा 4% घटेगा, तो आपने देखा कि 4% घटा मैंने 96% वैल्यू रहेगा इसकी, तो 2 साल है इसलिए 96/100 दो बार आ गया, तो आपने देखा कि ये गया, और आपने देखा कि ये 24, ये 25, और 25 जो है इसको कितने पे काटेगा, 30 पे काट देगा, तो आपने देखा 6,9,120 रुपीज़ जो है आपका आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका रेशो से भी हो सकता था, ठीक है। क्वेश्चन बोला इन अ कंपनी 600 एम्प्लॉयज है, एवरेज एज जो है मेल एम्प्लॉय की इतना, फीमेल एम्प्लॉय की इतना, और एवरेज एज ऑल द एम्प्लॉयज की इतना, फीमेल एम्प्लॉयज पूछिए, आपको पता है एलिगेशन लगने वाला है, बहुत कर लिया हमने ऐसे क्वेश्चन। तो आपने देखा मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय एवरेज एज कितना, आपने देखा मेल एम्प्लॉय का एवरेज एज 42 और फीमेल एम्प्लॉय का एवरेज एज कितना 41 ईयर, और आपने देखा कि ऑल द एम्प्लॉय, ऑल द एम्प्लॉय मैंने जिसमें मेल एम्प्लॉय भी आ गए और फीमेल एम्प्लॉय भी हो गए, तो आपने देखा कि मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय की जब अलग अलग बात हो रही थी तो हमने इन दोनों वैल्यू को अलग अलग लिखा, मतलब 42 और 41 को साइड में, फिर जब मेल और फीमेल को जोड़ के ऑल द एम्प्लॉयज बन गए, मतलब सारे एम्प्लॉयज की बात हो रही है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ गई, तो हम उस चीज को यहाँ पे लिखते हैं बीच में। अब कोई बोलेगा सर 41 ईयर्स और 9 मंथ्स है, ये इक्वेशन इतनी गंदी क्यों करी उसने, तो मैं बोलूंगा कि भाई उसने आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए करी है, ठीक है। आपको कितनी रीजनिंग की नॉलेज है, देखो क्वेश्चन को कितना भी मुश्किल बना लो आपके हाथ में होता है, आप क्या करने बैठोगे, आप करने बैठोगे कि मैं 9 मंथ को भी ईयर में चेंज कर देता हूं, तो 9/12 तो 41 3/4, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 167/3 कर दोगे, तो फिर माइनस करते फिर हो, या फिर मैं बोलता हूं आप 41 साल और 9 महीने को ऐसे लिख दो, ठीक है। ये जो है 41 साल है और ये 9 महीने है, आपने देखा 41 साल 9 महीने में से 41 साल चले गए तो कितना रह गया 9 महीने, और 42 साल माने 41 साल और 12 महीने, ठीक है। 41 साल 12 महीने में से 41 साल 9 महीने चले गए तो 3 महीने रह गए। अब हुआ क्या, यूनिट जो है मतलब रेशो की यूनिट जो है वो क्या आ गई, मंथ। अब मंथ आए, यूनिट ईयर आए, कुछ भी आए, आपको लेना देना क्या है, क्योंकि जब भी रेशो की बात होती है यूनिट तो कट जाती है ना आपस में, तो आप इसको मंथ में ही रहने दो। आपने देखा 3:1, तो मेल और फीमेल का रेशो कितना आ गया 3:1। आपने देखा मेल और फीमेल को जोड़ के जो कि ऑल द एम्प्लॉयज बन रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने देखा ऑल द एम्प्लॉयज की वैल्यू कितनी है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं कितने, मेल और फीमेल एम्प्लॉयज को जोड़ के
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है हमारे हिसाब से रेशो के हिसाब से कितना गया, 4 पर क्वेश्चन में कितने दिया 600 एम्प्लॉय, एक की वैल्यू 150, और आपसे पूछा क्या था एक की वैल्यू, मतलब फीमेल एम्प्लॉयज ही पूछे थे और ऊपर भी फीमेल मतलब राइट हैंड साइड, तो आपने देखा एक की वैल्यू जो है 150 यही है फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जो है यही है। आपने देखा कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 90 डिग्री पे 0 वैल्यू आती है, ठीक है, तो आपने देखा ए प्लस बी जो है 90 डिग्री हो गया और साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, ठीक है, तो आपने देखा 90 और 30 120 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ ए, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड से 2a आ गया, राइट हैंड साइड से कितना आ गया 120 90 और 30 को जोड़ के, तो a हो गया 60, अब a हो गया 60 तो b को 30 होना पड़ेगा तभी a और b का जोड़ 90 होगा, या फिर नीचे वाली इक्वेशन से भी आप लोग करके देख लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने देखा 7a² + 7a लिखा है, ठीक है ना, तो आपने क्या किया 7a को कॉमन लिया, तो आपने देखा a प्लस 1 बचा, ठीक है ना, फिर आपने क्या किया वैल्यू लेट करनी शुरू की, आपने देखा a की वैल्यू पहले 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, अब 0 जो है 14 पे भी जाएगा, 0 जो है 7 पे भी जाएगा, क्योंकि 0 जो है ना हर नंबर पे जाता है, x की वैल्यू कुछ भी हो 0 हर नंबर पे जाता है, ये आपने 0 का मतलब किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सुना होगा कि 0 जो है हर नंबर पे जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 0 आई जानी है, तो आपने देखा हर एक पे जाएगा ये, और फिर अगर आप 0 के आगे कुछ लगाना शुरू कर दो तो आप देखोगे ये भी गया 10 पे, मतलब 0 जो है हर एक पे जाता है यार, बात इतनी सी है सिर्फ, ठीक है, तो आपने देखा कि यार 7a को अगर मैं कॉमन रखूं तो आपने देखा अंदर क्या बचा a प्लस 1, अब a की वैल्यू 1 रखो, a की वैल्यू 1 रखा तो आपने देखा 7 × 1 × 2 हो गया, a की वैल्यू आपने 2 रखा तो 7 × 2 × 3 हो गया, a की वैल्यू आपने 3 रखा तो 7 × 3 × 4 हो गया, और a की वैल्यू आप कितनी भी रखते चले जाओ, कितनी भी रखोगे ना आप वैल्यू, मतलब a की वैल्यू 100 रख दो, 150 रख दो, 200 रख दो, 100 पर मतलब 137 रख दो, 138 कुछ भी रख दो, आप लाख रख दो, करोड़ रख दो, आप देखोगे कि 7 तो हर बार आ रहा है, ठीक है ना, 7 हर बार आ रहा है और एक इवन नंबर भी हर बार आ रहा है, ठीक है, आप जब चलते चले जाओगे ना तो आप देखोगे 7 हर बार आएगा और एक इवन नंबर हर बार आएगा, अब 7 को आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो 2, तो आपने देखा ये 14 पे जाएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो जो नंबर बनेगा वो हर बार 14 पे जाएगा, क्योंकि आप देख लो कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 14 पे बना, 14 जो है 14 पे चला ही जाएगा, तो आपने यहां से देखा कि 7 × इवन नंबर हर एक में आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि 7 पे तो जाएगा ही जाएगा, 14 पे भी जाएगा, 21 पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने देखा एक वैल्यू रख के कि ये क्या बन रहा है 14 ही बन रहा है सिर्फ, 14 तो 21 पे जाएगा नहीं, फिर आप देख सकते हो कि 7 × 4 = 28 × 5 = 140, 140 भी 21 पे नहीं जाता, जबकि 7 और 14 दोनों जाते हैं, 7 और 14 तो इन सारों पे जाएंगे, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी है और आपको बोला है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने देखा x प्लस 1/x अगर 1 होता है, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a होती है तो x² + 1x² क्या होता है a² - 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 - 2 कितना 14, और फिर अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मतलब x² + 1x² का स्क्वायर करूं तो x² + 1x² और 14 का स्क्वायर - 2, तो 196 - 2 कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है गेन जो है या प्रॉफिट जो है वो 1/5 है किसके, सेलिंग प्राइस है, मतलब आपने देखा कि प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का जो आपके पास रेशियो आ गया वो कितना आ गया 1/5, तो आपने देखा प्रॉफिट है 1, सेलिंग प्राइस है 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आपने देखा सेलिंग प्राइस में से जब मैं प्रॉफिट घटाता हूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आता है कितना 4, आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस × 100%, प्रॉफिट कितना 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना 4, तो आपने देखा 25% का प्रॉफिट हो गया, राजू जो है फिनिश कर देता है किसी काम को 20 दिनों में, उसने क्या किया उस काम को 5 दिन किया, अब आपने देखा 5 दिन में उसने कितना काम कर दिया, आपने देखा 5 दिन में उसने 1/4 काम कर दिया, आप बोलोगे कि सर 1/4 काम हो गया मतलब 3/4 काम रह गया, अब ये रिमेनिंग वर्क है,
देन जैकोब एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब ये जो रिमेनिंग वर्क था 3/4 इसको जैकोब ने अकेले किया, कितने दिन में, 15 दिन में। तो आपने देखा 3/4, अगर 3/4 काम अगर 15 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, आपने देखा टोटल काम जो है 5 और 20 दिन में कर देगा। मतलब राजू जिस काम को 20 दिन में करता है, जैकोब भी उसी काम को 20 दिन में ही करता है। तो आपने देखा एलसीएम भी 20 आ जाएगा, वनडे वर्क 1-1 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला हिन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश इट टुगेदर, ये बताना है राजू और जैकोब अगर साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो आपको पता है कि टोटल टाइम आ गया था, टोटल वर्क एलसीएम लेके निकाल लिया, वन डे वर्क आ गया, फिर हमारा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम करके। तो आपने देखा टोटल वर्क कितना है 20, और एक दिन में दोनों साथ में मिलके कितना काम कर देंगे, 1 और 1 2। तो आपने देखा एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 10 दिन। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच ऑफ द 2 chords ऑफ द सर्कल देन बोथ ऑफ द chords आर। देखो पहली बात तो आप लोग एक चीज समझेंगे क्या, कि डायमीटर माने आधी रेडियस। अब मैं बात करता हूं कि सेंटर से ये जो रेडियस ड्रॉ हुई, ठीक है, आपको पता है सेंटर से जो रेडियस आपने ड्रॉ की, अगर इसको बाइसेक्ट करना है कॉर्ड को, मतलब पहली बात तो आप लोग ये समझ पाए क्या कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में काटना। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक कोई भी लाइन है, जैसे एक कॉर्ड है, कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में काट दिया किसने, डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, बात एक ही है। मैं सेंटर से नीचे की बात कर रहा था तो मैंने पूरा इंक्लूड नहीं किया, मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि सेंटर से नीचे की बात कर रहा हूं तो रेडियस जो है वो कॉर्ड को काट रही है। अगर डायमीटर काट रहा है तो रेडियस भी तो काट ही देगी ना, क्योंकि डायमीटर का बच्चा है रेडियस, डायमीटर के अंदर से निकलती है रेडियस। तो आप कह सकते हो क्या, एक सेकेंड, ठीक है, तो आपने देखा रेडियस ने जो क्या किया, रेडियस ने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, और यही डायमीटर था, मतलब जिस डायमीटर की रेडियस की मैं बात कर रहा हूं ना, इसी डायमीटर ने क्या किया, दूसरी कॉर्ड को भी काट दिया, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। अब आपको एक चीज पता है, रेडियस जब कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया 2 इक्वल हिस्सों में, तो आप बोलते हो कि कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर गिरती है, ठीक है, तो यहां से भी ये बात बोली जा सकती है। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 और 90 को जोड़ के कितना हो रहा है, 180। अब 180 डिग्री बन रहा है, आपको पता है ये जो एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, आपस में को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, या फिर एडजसेंट एंगल बोल लो, एडजसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है। तो आप लोग क्या समझे, आप लोग समझे क्या कि ये वाइस वर्सा हो रहा है उस थ्योरम का, जो थ्योरम ये कहती है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके बीच के जो एडजसेंट एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अब क्या हो रहा है, एडजसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री है तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, इतनी सी बात थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या OQ जो है वो QR के इक्वल है, ठीक है, तो आपको पता है OQ जो है वो OP के भी इक्वल है, इतनी बात तो आप लोग समझ पाए ना कि OQ जो है वो OP के इक्वल भी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, M पूछा है, देखो पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि ये जो M डिग्री है ना, अगर सेम क्वेश्चन कभी दिया हो, OQ इक्वल टू OR दिया है और यहाँ पे N एंगल है और यहाँ पे M, तो M की वैल्यू जो है ना हमेशा 3N के इक्वल होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अब दोबारा CHSL 2019 में आया था, इससे पहले बहुत बार जब CP एग्जाम कंडक्ट करता था ना तो ये क्वेश्चन बहुत आया। तो आप ध्यान रखना M की वैल्यू 3N के इक्वल होती है। देखो कैसे करेंगे, आपने देखा कि ट्राइंगल QOR की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि QO जो है QR के इक्वल है, दो साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल, अगर ये वाला एंगल N डिग्री तो ये भी N डिग्री हो जाएगा। अब आपने देखा सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो आपने देखा ये N तो ये कितना हो जाएगा 2N, और आपको पता है ट्राइंगल POQ की अब मैं बात कर रहा हूं तो PO जो है वो QO के इक्वल है, तो PO के सामने जो एंगल है वो QO के सामने वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये 2N डिग्री। अब आपने देखा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अब लोग समझेंगे कि यार ये वाला एक्सटीरियर एंगल की ये वाला एक्सटीरियर एंगल, कई लोग तो क्या करेंगे यहाँ पे बोल देंगे कि सर यही जो था वो रिक्वायर्ड एक्सटीरियर एंगल था, तो 2N + 2N 4N हो जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा,
देखो कैसे। ठीक है, देखो आपने देखा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो कंबाइंड है ना, आपने देखा इस लाइन पे दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। एक तो एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है ट्रायंगल पीओक्यू का, ये वाला एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, मतलब जो वर्टिसेस ओ है उस पे दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा ना वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मतलब एम प्लस एन जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, वो सिंगल एक्सटीरियर एंगल है जो कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा 4n माइनस n कितना हो जाएगा 3n डिग्री। या फिर आप देखो, आप लोग समझने वाली बात है, अगर मैं OQ को एक्सटेंड करता हूं तो आप बोलोगे कि ये वाला एंगल पूरा एक्सटीरियर होगा। ठीक है, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट पे बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है। तो आपने देखा ये लाइन सेगमेंट पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल जो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन बोला एरिया स्क्वायर फील्ड इतना लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको पता है एरिया जो होता है स्क्वायर फील्ड का, या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, या फिर क्या बोल देते हैं हम डायगोनल के स्क्वायर का आधा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपने देखा डायगोनल की वैल्यू पूछी है, तो इससे सॉल्व कर लो। आपको पता है 144 जो होता है उसका अंडर रूट कितना होता है 12, और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो 120 मीटर आ जाएगा डायगोनल। क्वेश्चन बोला 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि इतने की गति में भाग रही है, कितने टाइम में क्रॉस कर देगी एक प्लेटफॉर्म जो कि 300 मीटर लंबा है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर ट्रेन का क्वेश्चन है तो इसमें लेंथ काउंट होगी, किस किस की, जो चीज क्रॉस कर रही है। तो आपने देखा ट्रेन क्रॉस कर रही है, जिसको क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ है, तो दोनों की लेंथ इंक्लूड होगी, दोनों की लेंथ को इंक्लूड करके डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अपॉन टाइम। तो आपने देखा टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 150, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना 300। अब ये तो आ गया मेरा मीटर में, ठीक है, और टाइम आपको सेकंड्स में निकालना है, और ये है किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा 450/25, तो 25 एकम 25 और 200, तो 18 सेकंड्स लगेंगे। क्वेश्चन में बोला दो रियल नंबर है 4a प्लस b की वैल्यू दी है आपको 20। अच्छा बेटा सेकंड, तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 2 2 2 2 मतलब 4a² प्लस b² है, ठीक है ना, तो लिख लेना आप लोग। तो आपने देखा 2a + b मुझे निकालना है, 2a + b मुझे निकालना है। तो आप देख लो यार 4a² + b² और ab गिवन है, तो 2a + b का होल स्क्वायर मैं अगर देखूँ तो 4a² + b² + 4ab के इक्वल होगा। तो आपने देखा कि 2a + b के होल स्क्वायर से मैं 2a + b निकाल सकता हूँ। तो आपने देखा 4a² + b² कितना 20, और 4 × 4 तो 4 × 4 कितना होगा 16 + 20 = 36 हो जाएगा। तो 2a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 2a + b क्या होगा अंडर रूट 36, जिसको आप 6 बोलते हो। ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। देखो आपने देखा पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, पहले सबसे पहले तो बॉटम मास में ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो आपने देखा डिवाइड, तो 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 6 × 3 = 18, तो यहाँ से आ गया 18 और यहाँ से आ गया 4, तो 2 + 18 = 20 - 4 कितना 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई दूँ तो कितना होगा 48 + 8, तो 72 - 10 जो कि, दोबारा देख लेते हैं एक बार, ओहो 48 है ना, तो 72 - 40 कितना होगा 32 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड 5 hours और मोर देन 5 hours इन प्लेइंग द मोबाइल गेम्स पर डे। तो आपने देखा नंबर ऑफ आर जो है 5 hours, तो ये आर है तो 5 hours से ज़्यादा, तो आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 और 6 14 बंदे जो है 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं।
मोबाइल गेम खेलने के लिए। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग फाइव मंथ्स, तो आपने देखा अप्रैल में इतनी बुक बिकी, मई जून जुलाई अगस्त, तो आपने देखा 900 और 800, 1700 में 500 जोड़ा, 2200 में 300 जोड़ा, 2500 में 350 जोड़ा, 2850। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स कोड बाय मार्क्स कोड इन हिस्ट्री एंड मार्क्स कोड इन हिंदी, तो आपने देखा मार्क्स कोड इन हिस्ट्री 70, मार्क्स कोड इन हिंदी 55, और ये डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता है 360 डिग्री से हमको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टोटल डिग्री कितनी होती है एक पाई चार्ट की, 360 डिग्री या कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री वैसे बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि बजाय इसके कि आप 70 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 600 करो, आप पहले इनका डिफरेंस ही निकाल लो। तो आपने देखा मार्क्स कोड इन हिस्ट्री 70 डिग्री, मार्क्स कोड इन हिंदी 55, तो दोनों का डिफरेंस कितना गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जो है डिफरेंस है, और मार्क्स में अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पता है 15 डिग्री टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री इंटू 600, तो आपने देखा 15 जो है इस पे कितने में जाएगा, आपने देखा 15 जो है इसको 24 पे काटेगा, और 24 जो है 48 120 25 पे काट देगा, तो 25 जो है मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है पाई चार्ट का, तो टोटल परसेंट 100% होते हैं। क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल टी स्कूल ये वाला है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्यू एंड एस, क्यू ये वाला है और एस ये वाला है, तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, परसेंटेज से ही सॉल्व कर दो। आपने देखा 20% बच्चे जो है वो टी में पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट है ये क्यू और एस स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपने देखा क्यू में पढ़ रहे हैं 18% और एस में पढ़ रहे हैं 22%, तो निकालने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल टीम में कितने, स्कूल क्यू में कितने, एस में जरूरत ही नहीं आपको निकालने की। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 40%, 20% बाय 40% 1/2, 1/2 जो है 100% का कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो आपका, ठीक है, कमेंट कर देना जो है डब्ल्यू में आपको क्वेश्चन दिए उनके आंसर अगर आ गए हो, नहीं आए हो तो आप लोग जो रोज़ हथियार यूज़ कर ही रहे हो व्हाट्सएप पे पूछने का, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछते रहे, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक यू।